हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आपके अपने चैनल जसनूर मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। यहाँ का सारा मेरा सुबह का काम फिनिश हो गया है और अब मैं यहाँ पे माता रानी का पूजा कर लेती हूँ और माता रानी सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। यहाँ पे जोत जला दिया है माता रानी का और ये मैंने सब्जी फ्रिज में सारी रख दी है क्योंकि मैंने रात में सब्जी लाई थी, धो के सुखा के रख दी है। और ये स्टैंड भी मैंने पेपर इसका चेंज कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। आलू आज का स्टैंड और इधर मेरी बीन्स रखी है तो इसको मैं काट लूँगी अच्छे से, सब्जी बना लूँगी। और ये मेरा बेटा भी आ गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी था, बटन खोलते खोलते सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ रहा था। और ये देखिए, इसके लिए मैं फटाफट मैं यहाँ पे रू अफज़ा बना लेती हूँ, काला नमक, नींबू, चीनी। और ये देखिए रेडी हो गया है, तो आप भी इंजॉय कर लीजिए। इसको मैं दे देती हूँ और ये मेरी बेटी भी उठ गई है और ये इसको मैं अब थोड़ा लाड करूँगी तभी ये थोड़ा चुप होगी। और अब मैं यहाँ पर मैं और अपने बेटे के लिए यहाँ पर ब्रेड को सेक लेती हूँ और नाश्ता ही, चाय भी इधर मैंने बना ली है, नाश्ता कर लेते हैं। तो ये मेरा ब्रेड रेडी हो गया है, मैंने सेक लिया और चाय भी छान लेते हैं। और ये देखिए हम तीनों मिलके एंजॉय कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए आकर के। और हम लोग नाश्ता करने के बाद में अब मैं लंच में यहाँ पे कढ़ी मैंने रख दिया था गर्म करने। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपके अपने चैनल जसनूर मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे और टाइम हो रहा है 11:30 और मेरा घर का सारा क्लीनिंग वगैरह काम हो गया है। मैंने नहा धो करके अब मैं पूजा वगैरह भी कर ली हूँ और नाश्ता हम बच्चे के साथ में वो भी था वो कर ली हूँ। अब मैं लंच में जा रही हूँ बनाने। लंच में तो बनाना आज कुछ भी नहीं है, थोड़ा कम मेरा आज काम है घर का, मतलब लंच का। घर का काम तो वैसा ही रहता है, लंच का काम है कि मैंने नाइट में कढ़ी बनाई थी और पनीर की सब्जी, तो वो लेफ्ट ओवर हम लोग ले लेंगे। और मेरी थोड़ी सी इसलिए आज मुझे खाना भी बनाने का बर्डन कम है क्योंकि मेरी बिटिया रानी को थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो वो बार बार मिनट मिनट में रोती है, हंसती है, तो उसके ऊपर अभी थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ेगा। और मिनट मिनट में उसको मम्मा 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 भी खोजेगी क्योंकि हर बच्चे का ये होता है जब तबीयत ख़राब होते हैं तो मम्मा को पकड़ते ही पकड़ते हैं। तो चलिए जैसा होगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगी और चेहरे पे लेके स्माइल और कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चले फ्रेंड्स, अब मैं कढ़ी को गर्म करने रखती हूँ और सब्जी को भी, तो फटाफट मैं आटा लगा के फुलके बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सभी को मैं लंच करा दूंगी। और मेरी ये बिटिया रानी को देख लीजिए कैसे करके देख रही है। हेलो कर दो मेरा बेटा, अरे बाबा मेरा सोना बेटा। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अब ये सो के थोड़ा सा उठी है ना, ऐसे खिसी लेना और ऐसे मम्मा को नहीं प्यार करना। मुआ कर दो। कैसे हो कैसे हो बेटा आप? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अभी मैं फ्रेंड्स एक चीज से पूछती हूँ, आप नोटिस करना बेटा, आई कहाँ है? आई आई नोज 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 हेयर 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 बताओ हेयर वाओ लिप 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 मम्मा लिपस्टिक कहाँ लगाती है लिप 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 का आप अपना बताओ अपना है टम्मी टम्मी। तो लीजिए आपसे मैं बात करते करते मेरी सब्जी भी हो गई गर्म और कढ़ी भी हो गई गर्म, तो अब मैं उसको ढक के रख देती हूँ। आटे भी इधर लगा दिए थे मैंने, तो यहाँ पे अब मैं फुलके भी यहाँ पे बना लेती हूँ। ये गर्मा गर्म मेरे फुलके बन गए हैं, तो मैं अब प्लेट भी लगा देती हूँ। तो ये देखिए प्लेट लग गई है, तो आप भी इंजॉय कर लीजिए, मैंने सबको दे दिया। तो ये मेरी किचन की ये हाल हो गई है, तो मैं अच्छे से सबको समेट लेती हूँ और यहाँ पे सारे बर्तन को एक जगह इकट्ठा करके अब मैं धो लेती हूँ। सबसे पहले बर्तन को क्लीन करके फिर अब मैं काउंटरटॉप को भी साफ़ करूंगी। तो यहाँ पे बर्तन मैंने धो लिए हैं और सबको मैं अच्छे से सब जगह लगा दूंगी, हर रेक में जहाँ जहाँ बर्तन जिस जिस के रखते हैं। तो यहाँ पे अगर रेक खाली हो जाएगा तभी काउंटरटॉप को अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैंने ये गैस को भी साफ़ कर दिया, ये काउंटरटॉप को भी साफ़ कर दिया। तो यहाँ पे अब देखिए ये मेरी किचन हो गई है साफ़। तो अब मैं यहाँ पे दूध चढ़ा देती हूँ, दूध मैं बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे दही यहाँ पे जमाना है। दही गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद ही रहती है। और ये मेरे कपड़े थे सूखे हुए, तो इसको मैं फटाफट फोल्ड कर देती हूँ सारे कपड़े को। और कपड़े फोल्ड करना सबसे भारी काम होता है, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा भारी है। मैं एक ही बार
बार इकट्ठा कर लेती हूँ तभी मैं सबको फोल्ड करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी हो गए थे, अब मेरी बिटिया रानी को मैंने तैयार कर दिया था। यहाँ पे इसके मैंने बाल बना दिए हैं, अब ये अच्छे से टॉय से खेलेगी। और ये देखिए इस फर्स्ट रूम का ये हाल हो गया है, सभी चले गए हैं नाश्ता लंच वगैरह करके, और ये देखिए ये हाल हो गया। तो इसको मैं फटाफट सेट कर लेती हूँ, उधर कूलर को भी अच्छे से सेट कर लेती हूँ, पानी वगैरह भी मैंने भर दिया है उसमें, और ये बेड भी अच्छे से मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो मैसी रहता है ना रूम वगैरह और बेड वगैरह बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो जाती है, कि जल्दी सबसे पहले ये क्लीन हो तभी कुछ काम आगे कर सकेंगे। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट बेडशीट को अच्छे से बिछा लेती हूँ और चारों तरफ मैं अच्छे से गांठ लगा दूँगी, क्योंकि गांठ लगाने से फिर बच्चे जितना भी कूदे उछले खेले चादर इधर से उधर नहीं होती है। और यहाँ पे मेरी जसनूर का भी ये अच्छा सा जो तकिया है इसको भी लगा देती हूँ, और इसकी ये दोस्त है इसको भी बोलती है मम्मा मुझे लगाओ, ये भी मेरे साथ सोएगी। तो मैं यहाँ पे गंदा हो गया था झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बाहर में ये तौलिया सूख रहे थे तो इसको भी मैं उठा लेती हूँ और यहाँ पे गेट के पीछे अलग अलग सबके टांग देती हूँ। और यहाँ पे बीन्स भी है, जो आधा किलो बीन्स था इतने सड़ गए थे, तो ये मेरे ससुर जी लाए थे, तो आधा से ज़्यादा तो एक पाव ही निकला था, मुश्किल से ज़्यादा नहीं निकला, ये देख लीजिए। और यहाँ पर अब मैं बिटिया रानी को दवाई पिला रही हूँ, तो उई उई करके रो भी रही है और पिएगी भी, हाँ पिला दो मम्मी। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है तो भेलपूरी यहाँ पर मैं बना रही हूँ, तो ये मुड़मुड़े में ना थोड़ा हवा लग गए थे, मम्मी ने ये मुझे भेजा था, तो मैं इसको थोड़ा सा तेल में कुरकुरा जैसा इसको फ्राई सेक लेती हूँ तो ये कुरकुरे हो जाएंगे। इसमें मैंने प्याज डाल दिया है और ये हरी मिर्च डाल दी है और ये मैंने टमाटर डाल दिया है, बीच का जो बीच है इसका टमाटर का वो मैंने निकाल दिया था, और मैंने नमक डाल दिया था नॉर्मल, और चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, और ये 2 चम्मच मैंने चटनी का मतलब मीठी चटनी जो होती है वो, और ये मैंने भुजिया डाल दिया था पैकेट उसका बस, और इसके अलावा नींबू भी डाला था और डाल के मिला दिया है। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई फ्रेंड्स के क्या बताऊँ, ये देखिए लग गई है प्लेट। तो फ्रेंड्स मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, थोड़ी क्या शाम होते होते ही मुझे फीवर चढ़ गया, और फीवर चढ़ने के बाद में इतना बदन मेरा टूट रहा है ना कि मैं बेड पे से मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं खाना भी बनाऊँ कुछ बनाऊँ, क्योंकि शाम में उठी थी थोड़ा स्नैक्स वगैरह बना दिया बच्चों के लिए, चाय भी बना दिया था और मैंने भी पिया चाय, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो ये मैं दवाई है पैरासीटामोल, तो ये मैं खा लेती हूँ, इससे मेरा फीवर भी थोड़ा उतर जाएगा। कुछ मेरी आदत है ना कि कुछ मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती हूँ ना तो मेरी तबीयत ही ख़राब होने लगती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा गहराई में कुछ सोचने लगी हूँ 2-3 दिनों से, इसके कारण मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। खैर ये तो ठीक हो ही जाएगी, तो अब मैं इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड, और इसके बाद मैं थोड़ी आराम भी कर लूँगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और याद से बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप मेरी सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड्स अपने फैमिली का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और खुश रहिएगा और हेल्दी रहिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, एक अच्छी अपनी तबीयत ठीक होने के बाद एक अच्छी वीडियो के साथ में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। आई डोंट वांट टू वेस्ट व्हाट्स लेफ्ट, द स्टॉर्म्स वी चेस द लीड।